नमस्कार दोस्तों, अनपुर नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं करवा चौथ स्पेशल थाली। तो सबसे पहले हम चूरमा बनाएंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। आटे को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। 1/2 कप बारीक वाली सूजी डाल देंगे। 1 कप हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। आप अकेले आटे का भी चूरमा बना सकते हैं। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप अकेले आटे का चूरमा बना रहे हैं तो आटा जो है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये इस तरह से बंधना चाहिए। अगर ये बंध रहा है तो हमारा मौन जो है वो सही है। अगर आप चूरमे में घी का मौन देना चाहते हैं तो 1/2 कप आप घी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त सा डो लगा लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो डो जो है वो पतला हो जाएगा। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। देखिए डो मैंने बना लिया है और अब हम इसके अंदर से मुठड़ी तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे से मुठड़े बना लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से हमें बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, सभी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी बना लिए, अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करना रख दिया था। ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, नॉर्मल सा गर्म ही चाहिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो। और जितने मुठड़े इसके अंदर आ जाएं उतने ही डालें। इन मुठड़ी को आप फ्रेंड घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह हम फ्राई होने देंगे। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तब हम इसे उलट पलट कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इन पे हल्का हल्का सा कलर आ गया है, पर हम इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये मुठड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने सारे डाल दिए हैं और अब हम इनको भी उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। इनको भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं हम उनको पीस लेते हैं। ये हल्के से ठंडे हो गए हैं और इनको हम अब किसी चीज़ से तोड़ लेंगे। बेलन की सहायता से भी आप इसे तोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर इसे डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा कर कर भी पीस सकते हैं फ्रेंड, पर इनको ज़्यादा ठंडा ना करें, नहीं तो ये पीस नहीं पाएंगे। हल्के गर्म में ही इसे पीस लें। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है, दरदरा सा पीसना है हमें, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। और इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप अगर आज छानना चाहते हैं तो छान भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से दाने से रह जाते हैं इस तरह के। तो अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं। और इसी तरह हम बाकी बचा हुआ भी पीस लेंगे। तो देखिए मैंने ये भी पीस लिया है, इसे भी हम परात में निकाल लेंगे। और अब हम हमारा दूसरा बैच चेक कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा बैच भी फ्रेंड फ्राई हो गया है। इसे भी हम ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने इन्हें पीस लिया है। अब हम इसके अंदर शुगर मिलाएंगे। तो 1.5 कप हम इसके अंदर बूरा मिलाएंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो देने मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए, इन्हें हम घी में फ्राई करेंगे। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे, पैन के अंदर हम आधा कप घी डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 4 चम्मच फुल भरकर घी लिया है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लें। चूरमे में आप ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद से डाल सकते हैं फ्रेंड। ड्राई फ्रूट डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें। बस इन्हें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें चूरमे के अंदर डाल देंगे। और इसे अच्छे से चूरमे के अंदर मिक्स कर देंगे और अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच घी और डाल सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, ये बंधने लगा है। तो अगर आप ज़्यादा घी खाते हैं तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चूरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और अब हम चूरमे को साइड में रख देंगे और अब हम दाल बनाएंगे। तो दाल मैं साबुत मूंगी ले रही हूँ 1/2 कप, इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और अब हम इसे कुकर के अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल देंगे। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। कुकर के ढक्कन लगाकर इसे 5 से 7 सीटी आने तक पका लेंगे, क्योंकि दाल को हमने भिगोया नहीं है इसलिए 5 से 7 सीटी इसके लगाना ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड 1 सीटी लग गई है और इसी तरह हम इसके 5 से 6 सीटी और आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड मैंने 6 सीटी इसके लगा ली है, आप देख सकते हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर जो है इसी के अंदर रहने देंगे। तो फ्रेंड अब हम बनाएंगे सूखी सब्जी, जो मैं आलू मटर की सूखी सब्जी बना रही हूँ। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरे की डाल देंगे, 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, 1 टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 5 आलू लिए थे उबले हुए, जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो डालकर हम इसे मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। तो मैंने 1 छोटी कटोरी फ्रोज़न मटर लिए हैं, वो भी डालकर हम मसाले के अंदर इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसे ऊपर से हम कवर कर देंगे और फिर हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट बाद फ्रेंड हम इसे चेक करेंगे, आप देखेंगे कि सब्जी जो है बन गई है। और इसे एक बार चला लेंगे, पानी भी इसका सूख गया है क्योंकि हमने सूखी सब्जी बनाई है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे, आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम बनाएंगे हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने वही पैन रखा है, गैस को ऑन कर दिया है, इसके अंदर हम घी डाल देंगे
3 चम्मच घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने देसी घी का यूज़ किया। अब हम इसके अंदर 1/4 कप सूजी डाल देंगे और इसे चलाते हुए हमें हल्का सा भून लेना है मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहें। आप देखेंगे कि सूजी जो है भून गई है और अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिसमें मैंने काजू बादाम लिए हैं, 5 काजू 5 बादाम लिए हैं, इन्हें भी मैंने पतला पतला काट कर सूजी के साथ ही हम इसे भून लेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे से भून गया है। अब मैंने 1 गिलास दूध लिया है, वो डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध की जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पिंच के करीब हम इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे, मैंने येलो फ्रूट कलर का यूज़ किया है। फ्रूट कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड, मैं हल्का सा हलवे को कलर देना चाहती हूँ इसलिए मैंने फ्रूट कलर का यूज़ किया है। बस इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप शुगर। तो शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 2 चम्मच शुगर और डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच ही हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रूट कलर की जगह फ्रेंड आप केसर भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। बस इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये पैन नहीं छोड़ने लगता। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हलवे ने घी छोड़ दिया है और पैन भी छोड़ दिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम लगाएंगे दाल के तड़का। तो तड़का लगाने के लिए फ्रेंड मैंने गैस पर एक छोटी सी कढ़ाई रखी है, गैस को ऑन कर देंगे और इसके अंदर तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने 1/2 चम्मच तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे 1/4 चम्मच, हींग डाल देंगे 2 पिंच के करीब, 1 मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है वो डाल देंगे, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो डाल देंगे। आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं फ्रेंड और इसे भून लेंगे। जब प्याज हल्का सा भून जाएगा हम इसके अंदर 1 टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ने लगता। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड कसूरी मेथी की जगह आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम ये तड़का जो है दाल के अंदर डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए हमें 1-2 उबाले दे लेने हैं ताकि मसाला दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए उबाल आ गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम पूड़ी के लिए आटा लगाएंगे। तो जितनी आप पूड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा ले लें, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। 1 चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे हाथ से क्रश करके और 2 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे मोन के लिए, इससे क्या पूड़ी जो है काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना लेंगे। तो डो हमें पूड़ी के लिए थोड़ा सा सख्त ही बनाना है फ्रेंड, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और पूड़ी का सख्त डो लगाकर तैयार कर लें। डो थोड़ा सख्त होगा तो पूड़ी आपकी फूली फूली बनेगी। तो देखिए आटा मैंने गूंथ लिया है, अब हम पूड़ी बनाएंगे। तो जितनी छोटी बड़ी आप पूड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ी पूड़ी नहीं बना रही हूँ, छोटी छोटी सी बना रही हूँ, इसलिए मैं 1 बार 4 लोई बना ली है। इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के बेल लें ताकि ये चिपके नहीं। पूड़ी बना तलने के लिए मैंने तेल गर्म करना रख दिया है। तो पूड़ी को हम बेल लेते हैं। तो देखिए पूड़ी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बेल सकते हैं। तो सभी पूड़ी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल थाली है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर बनाएं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, खाने में टेस्टी है। आप इस तरह से थाली बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी।
तो तेल मैंने गरम करना रख दिया था। तेल हमारा गरम हो गया है, थोड़ा सा डो डालकर देख लेते हैं। ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, कहीं पूरी डालते ही जल जाए। और इसे इस तरह से दबाएंगे, एकदम फूली फूली पूरी हम बनाकर तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लें तेल को गरम करने के बाद। तो देखिए पूरी जो है हमारी फूल गई है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर पूड़ियाँ हमारी बनी हैं। इसे निकाल लेंगे, जो फ्राई हो जाए उसे निकाल लें और सभी पूड़ियाँ फ्रेंड हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सभी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हम थाली लगाएंगे। ये हमारा हलवा, ये हमारी मिठाई, ये गज्जक, ये हमारी आलू मटर की सब्जी, ये दाल और ये चूरमा और ये सलाद और ये हमारी पूड़ी। देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छी हमारी थाली बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस तरह से करवा चौथ की थाली ज़रूर बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो फ्रेंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल अन्नपूर्णा रसोई को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ।